बड़ी खबर के साथ रतलाम से मिल रही है, जहां एक परिवार के 18 लोग मुस्लिम से हिंदू बन गए हैं। गोबर गोमूत्र से नहाने के बाद इन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया है, तो 3 पीढ़ी बाद सनातन धर्म में इस परिवार ने वापसी की है। 18 सदस्य जिन्होंने मुस्लिम धर्म को छोड़कर फिर से हिंदू धर्म अपना लिया है, और घर वापसी पर परिवार ने कहा कि हम भटक गए थे। शिव महापुराण कथा के दौरान परिवार ने हिंदू धर्म अपनाया, घुमंतू परिवारों की घर वापसी हुई है। आपको बता दें, हिंदू धर्म में वापसी के लिए पुरुषों ने मुंडन भी करवाया, गोबर गंगा जल से स्नान भी किया, जनेऊ पहनी और मंत्रोच्चार के साथ हिंदू धर्म में प्रवेश कर लिया। परिवार के 18 लोग मुस्लिम धर्म छोड़कर जिन्होंने हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया है, गोबर गोमूत्र से नहाने के बाद इन्होंने हिंदू धर्म अपनाया है। तो एक ही परिवार के 18 ऐसे सदस्य जो कि हिंदू धर्म में जिन्होंने वापसी की, और इनका ये कहना है कि हम भटक गए थे और अब वापस से हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया है। तो 3 पीढ़ी बाद सनातन धर्म में वापसी की है परिवार के 18 सदस्यों ने, मुसलमान से हिंदू बने हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम से ये मामला आपको बता रहे हैं, हिंदू बनने का ये मामला सामने आया है। राम सिंह होने के बाद में धर्म प्रति ये कुछ नहीं, ये हमारे खानदानी से पीढ़ी से हिंदू थे, उनकी नहीं। फिर बाद में हिंदू बन भटक गए थे, मुसलमान का पीछा पकड़ने लग गए थे कि हम मुसलमान बन जाएं, घड़ी में हिंदू रहे हैं। फिर मुसलमान तो हम ये सोचे कि जात में से हिंदू बने थे, हिंदू पैदा हुए तो हिंदू रहना ज़रूरी है। फिर बाद में हम ये इसमें हमारे धर्म में आ गए वापिस। हम दिशा से सिर्फ भटक गए थे, हमको इतना पता नहीं था कि कहाँ जाना, कहाँ नहीं करना, कैसा करना था। हम हमारे खुशी से हमारे गोत और हमारी समाज निकाले, वो पीढ़ियों से हिंदू था और हम हिंदू रहेंगे और हिंदू बनना चाहते हैं। पहले कौन धर्म में थे और अब काय में आ गए? हिंदू में ही थे बाबूजी, हमारे बाप दादे हिंदू ही थे, सिर्फ मुसलमान नाम पे मांग के खाते थे, मगर हम सदियों से देवी देवता पूजते आए, मगर हम मुसलमान नवाज मवाज कलमा मलमा हमको कुछ नहीं आता, हम हिंदू ही है क्या, मगर मुसलमान नाम पे मांग के खाते, बार बार जाते थे बस देश परदेश जाते थे, मांग के खाते, बस हम हिंदू ही है। वो जो संकल्प लिए हम लोग यहाँ शिवपुराण का आयोजन रखे, वो लोग शिवपुराण सुनने आए और चलते शिवपुराण में उन लोगों का भावना जगा और वो लोग कहने लगे कि हम बहुत सताए जा रहे, हमारी पीढ़ियाँ परेशान हैं, हम पूर्व से जिस धर्म में रहे उस धर्म को धारण करना चाहते हैं। शपथ पत्र एफिडेविट करवा के यहाँ दिया और सारी समाज के सामने सनातन धर्म को उन लोगों ने स्वीकार किया।